हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद बेरी। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दो वीडियोस यूट्यूब सर्च पे कैसे गए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ये स्टैट्स देख सकते हो। तो प्लीज़ इस चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे तीन चीज़ें। एक, कि कौन से वीडियोज़ मेरे यूट्यूब सर्च में आए। दूसरा, यूट्यूब सर्च में वो वीडियोज़ कैसे आए। और तीसरा, क्या ये ज़रूरी है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके वीडियोस YouTube सर्च में आएंगे ही आएंगे। तो ये तीन टॉपिक मैं कवर करूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि YouTube सर्च होता क्या है। जब YouTube पे कोई भी कंटेंट सर्च करता है, उसके लिए वो जो भी कीवर्ड्स टाइप करता है, उस कीवर्ड को टाइप करने के बाद अगर आपका वीडियो उस लिस्ट में आ रहा है तो उसे कहते हैं YouTube सर्च। तो अगर आपके वीडियो में जब आप एनालिटिक्स में जाओगे तो आपको अलग अलग आपके ट्रैफिक सोर्सेज दिखाएंगे। उसका मतलब ये है कि आपको कहाँ कहाँ से व्यूअर्स मिल रहे हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप्स हैं। गूगल यूट्यूब का एक ऑफिशियल लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि मेरे दो वीडियोस कैसे ट्रेंडिंग में आए। तो मैं जब वीडियोस बना रहा था तब मैं सर्च कर रहा था ऑनलाइन टॉपिक्स कि अभी क्या फेस्टिवल चल रहा है या फिर अभी क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। और तभी मुझे पता चला कि जैसे गणेश विसर्जन है, गणेश चतुर्थी चल रही थी और विसर्जन भी था, तो मैंने उस पर दो वीडियोस बनाए। और वो भी ऐसे वीडियोस थे जो मेरे डे टू डे लाइफ के साथ मैच भी कर रहे थे। तो मैं भी अपने घर पे गणेश बैठाता हूँ तो उसका मैंने वीडियो बनाया, और जब हम विसर्जन के लिए ले जा रहे थे तब भी मैंने वीडियो बनाया। तो वो दो वीडियो जब मैंने अपलोड करे, कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उसमें काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। जैसे कि आप ये वीडियोस देख सकते हो विसर्जन का, इसमें 400 व्यूज़ हैं। अगर आप देखो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर 200 के अराउंड थे उस टाइम, या उससे भी कम थे शायद, लेकिन जो व्यूज़ आए हैं वो 400 तक आए हैं। और हाँ, अगर बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और उसी वजह से ये आवाज़ आ रही होगी आपको। तो हम गणेश जी 5 दिन के लिए बैठाते हैं, तो जैसे ही 5 दिन ख़त्म हो गए थे तो मैंने विसर्जन का वीडियो बना दिया। और जो मेन विसर्जन होता है 10 दिन बाद, तो मैं ये देख रहा था कि मेरे वीडियो में काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, और मुझे तब समझ में आया कि लोग उस टाइम विसर्जन के वीडियो सर्च कर रहे हैं और उन सर्च टर्म में मेरा भी वीडियो वहाँ आ रहा है। तो इसी तरीके से एक और वीडियो था जो मैंने अगस्त 15 के आसपास बनाया था, 3D इंडियन फ्लैग। एक वो फोटोशॉप में मैंने स्पीड आर्ट बनाया था, क्योंकि 15 अगस्त जब होता है या 26 जनवरी होती है तो लोग इंडियन फ्लैग वगैरह सर्च करते हैं, और उस सर्च में मेरा ये 3D इंडियन फ्लैग का वीडियो भी आ रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप भी अपने वीडियो को यूट्यूब सर्च में कैसे ला सकते हैं। तो जैसे मैंने अब तक बात करी थी जो मैंने किया, तो वही चीज़ आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है। जैसे अगर आप इंडिया में हैं, मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो इंडिया से होंगे, तो अगर आप इंडिया में कुछ बनाना चाह रहे हैं तो पहले ये देखिए कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे है। फॉर एग्जाम्पल TikTok वर्सेस YouTube था, तो इन सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स को आपको देखना है। और अगर ये टॉपिक आपके चैनल से रिलेट करते हैं तो आपको जल्द से जल्द ये वीडियोस बना लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी विनोद का एक ट्रेंड हुआ था, तो विनोद का तो काफ़ी लोगों ने बनाया, जिसको वो रिलेट भी नहीं करता उन्होंने भी बनाया। लेकिन उस ट्रेंडिंग टॉपिक को आपको अपने वीडियो में कैसे यूज़ करना है, वहाँ आपकी क्रिएटिविटी आएगी। और एक टिप ये भी हो सकती है कि आप ये देख सकते हो कि इंडिया में क्या क्या भी फेस्टिवल या इवेंट्स आने वाले हैं, और अगर वो टॉपिक आपके चैनल से रिलेट करते हैं तो आप उस पर वीडियो बना दीजिए। लेकिन और एक बात, ज़रूरी ये नहीं होता कि आप हर टॉपिक पे जो ट्रेंडिंग है उस पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो वायरल हो या उस पर व्यूज़ आए। फॉर एग्जांपल मेरा एक MS धोनी का वीडियो था जो मैंने बनाया था जब धोनी रिटायर हो रहे थे, तो उस टाइम वो टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग था लेकिन उस पर ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी वो काम करते हो। तो मैंने ये वीडियो MS धोनी का बनाने में थोड़ा सा लेट कर दिया था, और वो यूट्यूब सर्च में आ नहीं पाया, यूट्यूब एल्गोरिदम में नहीं आ पाया, तो इसीलिए उस पर व्यूज़ नहीं आए। अगर आप ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जो ट्रेंडिंग चल रहा है उस पर आप अपना वीडियो बनाओ, या फिर कोई फेस्टिवल आने वाला है उस पे कोई वीडियो बनाओ, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उन वीडियोस के व्यूज आने के, रादर देन आप जस्ट एक नॉर्मल टॉपिक पे बनाओ। और एक चीज मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप YouTube को सीरियस लेते हैं तो YouTube स्टूडियो का जो डैशबोर्ड है उसको मॉनिटर करिए दिन ब दिन। ये देखिए कि आप कौन से वीडियोस चल रहे हैं और कैसे वीडियोस पे लाइक्स आ रहे हैं, कॉमेंट्स आ रहे हैं, और ट्राई करिए वैसे ही कोई वीडियोस आप बनाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।